देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के महिला प्रकोष्ठ द्वारा C21 मॉल पर आयोजित प्रकोष्ठ की सांस्कृतिक गतिविधियों की श्रृंखला में लव यू जिंदगी के तहत विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नीट यूजी में ऑल इंडिया में 29वीं रैंक प्राप्त करने वाली मध्य प्रदेश की टॉपर इंदौर की बेटी सानिका अग्रवाल का समाज सेवी सीता देवी जगदीश बाबाश्री के आतिथ्य में एवं नगर निगम के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ट्रांसजेंडर संध्या भावरे के विशेष आतिथ्य में शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र दे भेंट कर 21,000 रुपये की सहायता राशि भी भेंट की गई। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रतिभा मित्तल ने सानिका को इंदौर का गौरव बताया। अध्यक्ष प्रतिभा मित्तल, सुविधा गोयल एवं संगीता पाठी ने बताया कि कार्यक्रम के दूसरे चरण में लव यू जिंदगी के तहत विभिन्न गेम्स एवं रोचक स्पर्धाएं भी हुई हैं। इनमें बेस्ट डांस में दीपा सौम्या, बेस्ट पर्सनालिटी के लिए विजया पालीवाल एवं बेस्ट ड्रेस के लिए करिश्मा को विजेता घोषित किया गया। विभिन्न खेलों में अनुश्री, पलक सिंघानिया, करिश्मा एवं गायन स्पर्धा में शानदार प्रस्तुतियों के लिए दिव्या सीमा, शिल्पा गुप्ता एवं गायत्री पालीवाल विजेता घोषित किए गए। कार्यक्रम में हाल ही में नीट यूजी की परीक्षा में प्रदेश में पहले स्थान पर आई टॉपर सानिका अग्रवाल का समाज सेवी श्रीमती सीता देवी जगदीश बाबा श्री के मुख्य आतिथ्य तथा ट्रांसजेंडर संध्या भावरे के विशेष आतिथ्य में सम्मान किया गया तथा उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए 21,000 रुपये की सहायता राशि भी भेंट की गई। इस अवसर पर शहर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। और के लिए बहुत बड़ा और गर्व का एक आयोजन मैं कहूँगी। ये इसे लव यू जिंदगी के तहत और महिला प्रकोष्ठ के बैनर तले हमने इस इवेंट को किया है, जिसमें आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी प्यारी सी बच्ची सानिका अग्रवाल, जिन्होंने MP में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज उनका हमने छोटा सा, बिल्कुल उन्होंने जो पाया उससे बहुत ही नन्ना सा हमने उनका सम्मान समारोह रखा था। हमारे बीच हमारे बाबा श्री पार्मातिक ट्रस्ट के जो चेयरमैन डायरेक्टर जगदीश जी और उनकी वाइफ सीता जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे चीज बीच में मौजूद है, अब मैं नाम पूछूंगी आपसे, भी मौजूद हैं जो कि इंदौर नगर निगम की ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और साथ ही ऊर्जा डेस्क पर भी ये काम करती हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि इतने सारे मेन लोग जो इंदौर की शान है और अब सानिका ने मध्य प्रदेश की भी शान बढ़ाई है। जैसे इन्होंने महिला प्रकोष्ठ ने जो सम्मान समारोह रखा था यहाँ पर, वो बहुत ही गर्व की बात है। अभी तक यहाँ इंदौर के अंदर किसी का भी ध्यान नहीं गया कि इंदौर की बच्ची जो MP में फर्स्ट आई है उसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन पतवाजी ने जो है इनको सम्मानित करने के लिए मेरे को खबर की कि भाई अपन को ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखने का है। तो मैंने पतवाजी को बोला भाई आप जो है कुछ यदि आप चाहें तो मैं आ सकता हूँ यहाँ पर और मेरी तरफ से भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ आकर के देखा कि इन लोगों ने ऑलरेडी ये सब पार्टी रखी हुई है, केवल इसीलिए कि ये अभी MP के अंदर फर्स्ट आई है, इन्हीं के सम्मान में इन्होंने पार्टी रखी हुई थी। उसके बाद में सभी लोग जो आए हुए हैं इनका भी सम्मान किया गया, इनके मदर का सम्मान किया गया। उनसे मिलकर मेरे बड़ी खुशी हुई, उनके मदर ने यही बोला कि हम लोग सक्षम लोग हैं लेकिन जो आप सहयोग देना चाहते हैं हमारी ज़रूरत नहीं है इसकी। जबकि इंदौर के अंदर में लोग ये है कि कोई भी यदि 10 बार भी देता है तो उसको ले लेते हैं, मना नहीं करते हैं। ये इनकी बहुत ही बड़कपन है जो कि कभी ज़रूरत नहीं है फिर इन्होंने मना कर दिया। मैं तो ये इनको यही दुआ दूंगा कि बच्ची पढ़ के आगे अच्छे से अच्छा नाम करें, हिंदुस्तान का नाम करें। धन्यवाद। ज़्यादा अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे एफर्ट्स को और उसके कारण और भी लोग आगे आएंगे, इंस्पिरेशन लेंगे इस सब चीज़ से और बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अभी से मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो जब मैं डॉक्टर बनूंगी तब और मिलेगा। और मेरा जो पर्पस है डॉक्टर बनने का कि मैं सबको बहुत ज़्यादा यू नो केयर दे पाऊँ, वो मैं अभी से पूरा कर पा रही हूँ, तो आई फील वेरी नाइस। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज सानिका ने नाम रोशन किया है अपने मम्मी पापा का, साथ ही साथ महिलाओं का भी, कहीं ना कहीं एक जो महिलाओं को हमेशा नीचे तबके से सोचा जाता, आज भी अगर हम आधुनिक जीवन आधुनिक युग में जी रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं लोग महिलाओं को वही नज़र से देखें। लेकिन आज सानिका ने इतना बड़ा नाम किया है कि वो MP में फर्स्ट नंबर पर आई हैं, तो इसके लिए मैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आगे से भी और भी ज़्यादा महिलाएँ हैं उनको देख के उनसे प्रेरणा लें ताकि वो भी अपने
भविष्य में आगे बढ़े और अपने मम्मी पापा का साथ ही साथ महिला समाज, महिला जाति का भी और हमारे समाज का भी नाम रोशन करें। सारे दिल से और पूरे लाउंज और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इन्होंने मध्य प्रदेश का नाम बहुत आगे लेके गई है और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान का भी नाम आगे लेके जाएगी। क्योंकि मदर की सबसे पहले तो प्रतिभा दीदी को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया। दूसरा जगदीश भैया और सीता भाभी, उन जैसे लोग अगर समाज में मौजूद हैं तो समाज की बेटियाँ पीछे रह ही नहीं सकती। हम तो एक बहुत सक्षम घर से हैं और ईश्वर ने मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से मुझे सक्षम किया है कि ऐसी बेटी दी है। पर मैं चाहती हूँ कि समाज की हर बेटी ऐसी जगह पहुँचे और जगदीश भैया जैसे लोग अगर रहेंगे समाज में तो शायद हमारा समाज आज जिन ऊँचाइयों पर उससे हज़ार हज़ार गुना और ऊपर पहुँचेगा। मैं आभार बहुत प्रकट करती हूँ भैया का और प्रतिभा दीदी का। मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद आप सब।